नमस्कार, आज 23 अक्टूबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देश दुनिया से प्रकाशित होने वाली समाचार पत्रों की और उनमें छपे खबरों की, वैसी खबरों की जिनका सीधा संबंध आपकी और हमारी आम जिंदगी से है। सबसे पहली खबर, सफल यूपीएससी अभ्यर्थियों को पसंद की तैनाती का हक नहीं। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि सिविल सेवा के सफल अभ्यर्थियों को उनकी पसंद का कैडर और नियुक्ति का स्थान पाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने देश में कहीं भी सेवा देना स्वीकार किया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को यदि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सामान्य श्रेणी के तहत चुनने के योग्य पाया जाता है तो उसे अनारक्षित रिक्तियों में नियुक्ति दी जाएगी। न्यायालय ने यह टिप्पणी केरल उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील पर की है। सरकार न्यायाधिकरण नहीं चाहती तो खत्म करे कानून। जिला एवं राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने नियुक्तियों में देरी पर नाराजगी जताते हुए उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि अगर सरकार न्यायाधिकरण नहीं चाहती है तो उसे उपभोक्ता संरक्षण कानून को समाप्त कर देना चाहिए। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एस एम सुंदेश्वर ने पीठ में कहा कि यह अफसोस की बात है कि शीर्ष अदालत से न्यायाधिकरणों में रिक्तियों की समीक्षा करने और उन्हें भरने के लिए कहा जा रहा है। सेना की 39 महिला अधिकारियों को मिला स्थायी कमीशन। भारतीय सेना में स्थायी कमीशन को लेकर 39 महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत मिली है। अदालत ने सरकार से कहा कि वह महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने का आदेश जारी करे। इसके अलावा 25 महिलाएं अफसरों को स्थायी कमीशन न देने के कारणों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए भी कहा है। पूरे के पूर्व प्रबंध निदेशक को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। उच्चतम न्यायालय ने यूपी सरकार की याचिका पर ट्विटर के पूर्व प्रबंध निदेशक को शुक्रवार को नोटिस जारी कर दी। याचिका में सोशल मीडिया मंच पर उपयोगकर्ता की ओर से साझा किए गए कथित संवेदनशील वीडियो की जांच के सिलसिले में कंपनी के पूर्व प्रबंध निदेशक मनीष महेश्वरी को जारी पेशी का नोटिस रद्द करने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन की पीठ ने यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर विचार करने के बाद महेश्वरी को नोटिस जारी किया है। पीठ ने कहा, हमें मामले में सुनवाई की जरूरत है। अपील। प्रधानमंत्री ने कहा, त्योहारों पर सतर्कता बरते कवच है पर कोताही नहीं करनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना टीकाकरण की 100 करोड़ खुराक लगाए जाने के बाद शुक्रवार को देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कवच कितना ही उत्तम और आधुनिक हो, सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, जब तक युद्ध चल रहा हो हथियार नहीं डाले जाते, हमें कोताही नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि त्योहारों पर सतर्कता बरते, मास्क नहीं छोड़े। जैसे हमें जूते पहनकर बाहर जाने की आदत है, वैसे ही मास्क को सहज स्वभाव बनाए। हंगामा, प्रचार वाहन पर लगे डीजे को जब्त करने पर पुलिस से उलझे ग्रामीण। धनरोवा में पुलिस और ग्रामीणों में झड़प, फायरिंग में युवक की मौत। धनरोवा के मोरियावा गांव में शुक्रवार की शाम एक मुखिया प्रत्याशी के प्रचार वाहन पर लगे डीजे के जब्त करने के बाद पुलिस और ग्रामीणों के बीच भिड़ंत हो गई। इस दौरान पथराव हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि इस दौरान करीब 50 राउंड गोलियां भी चली। 4 लोगों को गोली लगी। इनमें धूल खेली चौधरी के 25 वर्षीय बेटे रोहित कुमार की मौत हो गई, अस्पताल जाने के दौरान हुई, जबकि विजेंद्र कुमार, मिलन कुमार व नीरज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि इन चारों को पुलिस की गोली लगी है। दूसरी ओर ग्रामीणों के पथराव से मसौड़े के इंस्पेक्टर राम कुमार, धनरोवा थानाध्यक्ष राजू कुमार समेत 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। महागठबंधन में दरार। बिहार कांग्रेस प्रभारी ने किया ऐलान, कांग्रेस अकेले लड़ेगी लोकसभा चुनाव। बिहार विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद कांग्रेस और राजद के रिश्ते में तनाव बढ़ गया है। कांग्रेस ने अब प्रचार में अपनी युवा तिकड़ी कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी व हार्दिक पटेल को उतारने के साथ ही ऐलान किया कि वह बिहार में अब अगला चुनाव अकेले लड़ेगी। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने शुक्रवार को कहा कि राजद ने अपनी ओर से महागठबंधन तोड़ा है। 67वीं बीपीएससी परीक्षा का मामला, उम्र में छूट वाली याचिका पर आदेश रखा सुरक्षित। पटना हाईकोर्ट ने 67वीं बीपीएससी परीक्षा के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिए जाने को लेकर दायर रीट याचिका पर सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने जयदीप कुमार अभय व अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि पिछले 15 वर्षों से राज्य में लोक सेवा आयोग प्रतियोगिता परीक्षा को हर वर्ष लेने के बजाय 2 दिन
वर्ष के अंतराल पर एक साथ संयुक्त रूप से ले रहा है। इससे परीक्षा में बैठने का समान अवसर नहीं मिल पाता है और यदि प्रत्येक वर्ष परीक्षा आयोजित की जाती तो उम्मीदवारों को पूरा अवसर मिल पाता, जबकि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन से कम अवसर मिल पाता है। सप्ताह मेमोरियल व तक्षशिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन में स्पॉट एडमिशन। पटना के फुलवारी शरीफ में स्टार मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन व तक्षशिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक बीएड में स्पॉट एडमिशन की व्यवस्था की गई है। तो ये थी तमाम अखबारों से आज की खबरें। और भी खबरों के लिए दिन भर आप न्यूज PR के साथ बने रहें। हमारे तरफ से फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।